सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका फायदा उठाकर व्यापारी और किसान लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप योजना का लाभ उठाकर ना महज अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि उससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ। मृदा स्वास्थ्य योजना। आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसलों में बंपर पैदावार कराना था। इस योजना का लाभ उठाकर हमारे किसान भाई ना महज अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि उससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। दरअसल इस योजना के तहत हमारे किसान भाई जिस मिट्टी पर फसल उगाने जा रहे हैं, उसकी जाँच की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि ये मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। यहाँ इस मिट्टी पर कौन सी फसल उगाने से बंपर पैदावार की सकती है, इसका पता मिट्टी की जांच करने से हो जाता है। इसके साथ ही मृदा जांच से ये भी पता चल जाता है कि कितनी मात्रा में किसी फसल को उगाने में खाद, उर्वरक सहित अन्य पदार्थों की जरूरत पड़ सकती है। इससे किसानों को एक अंदाजा लग जाता है, जिससे उन्हें फसल उगाने में समस्या नहीं होती। निसंदेह इस योजना के आने के बाद किसानों को व्यापक स्तर पर फायदा हो रहा है। इस योजना को कैसे बनाए कमाई का जरिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस योजना से हमें क्या फायदा मिलेगा, हम तो व्यापारी हैं, ये योजना किसान भाइयों के लिए है, या कैसे इस योजना को कमाई का जरिया बना सकते हैं। तो चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब हमारे पास है। इस योजना के जरिए आप सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर खुद की मिट्टी प्रयोगशाला शुरू कर मिट्टी की जाँच कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। काफी संख्या में युवा इस योजना का फायदा उठाकर अपने गाँव में ही प्रयोगशाला शुरू कर रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए गांव के कई युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बेशक इस योजना को शुरू हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं, मगर अब इस योजना की वजह से लोगों के जीवन में जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये योजना खूब सराही जा रही है। प्रयोगशाला शुरू करने में कितना खर्च। यूं तो किसी भी मिट्टी प्रयोगशाला की शुरुआत करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, मगर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सरकार 75% राशि आर्थिक सहायता के लिए दे रही है, जिसके बाद से किसी को भी इस प्रयोगशाला को शुरू करने में महज 3,774 रुपए तक खर्चा आएगा। यानी कि जहां 5 लाख रुपए लगने हैं, वहाँ आप बस 3,774 रुपए लगाएंगे। इस प्रयोगशाला से एक और जहां किसानों की पैदावार में बंपर वृद्धि हो रही है, तो वहीं गांव के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।